हेलो भाई, स्वागत है यार सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि तुमने थंबनेल और टाइटल से जान ही लिया है कि जो तुम्हारी 11 जनरेशन आने वाली है, 11 जनरेशन नहीं मतलब 1180 टीआई जो आने वाला है, जो एनवीडिया की नई जनरेशन होगी ग्राफिक कार्ड की, उसकी कुछ चीजें कन्फर्म हो चुकी है। मतलब कुछ चीजें जो है वो कन्फर्म होकर आई है, और वो चीजें क्या है वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम ने। तो अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मैंने तो प्रोग्राम का मैं हिस्सा पहले से हूं, तो आपको मुझे मेरा साथ देना है। और साथ कैसे देना है, आपको क्या करना है कि कुछ भी शॉपिंग करनी है अमेजोन से, तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी, और हमारे चैनल को उससे सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो था यहां तक। अब बात करते हैं हम अपने 1180 के कंफर्मेशन के बारे में। तो गाइस देखो, टॉम्स हार्डवेयर के कुछ लोगों ने या फिर किसी एक आदमी ने या कुछ लोगों ने, जितनों ने भी बात की होगी, या वैसे तो किसी एक आदमी ने की होगी, चलो दो तीन ने भी की होगी, मतलब ऐसा समझ लो कुल मिला के टॉम्स हार्डवेयर ने एनवीडिया के किसी अंदर के आदमी से बात करी और कुछ चीजें कन्फर्म होकर आई है। पहली बात जो कन्फर्म होकर आई है वो ये है कि जो नए ग्राफिक्स कार्ड होंगे वो ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ट्यूरिंग जो है वो वोल्टा का ही गेमिंग वाला वर्जन होगा या ट्यूरिंग एक नया ही आर्किटेक्चर है कोई, ठीक है? तो ये चीज कन्फर्म नहीं है, लेकिन नया आर्किटेक्चर ट्यूरिंग होगा, ये बात कन्फर्म होकर आ चुकी है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। तो अगर आप मेरे जेन्युइन फॉलोअर है तो आपको पता चल गया होगा ये बात पहले, ठीक है? और अगर नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, तभी तो पता चलेगा मैं कैसी कैसी खबरें लेकर आता हूं, ठीक है? दूसरी चीज खबर निकल के क्या आ रही है कि उसी एनवीडिया के अंदर वाले आदमी ने बताया है। अब अंदर का आदमी वो कौन है वो नहीं पता गाइस, क्योंकि उसने एक कंडीशन पे बोला है, उसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एनोनिमिटी, मतलब गुप्त रूप से बताया, मतलब अपनी पहचान छुपा के, एनोनिमिटी, सॉरी मेरे से बोला नहीं गया, एनोनिमिटी। क्या हुआ ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, जैसे चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को, इस टाइप के शब्द नहीं होते हैं, मतलब जिनसे जीभ लड़खड़ा जाती है। तो ये एनोनिमिटी शब्द जो है वो मेरे लिए ऐसा ही है, मतलब मेरे से बोला नहीं गया अचानक से, तो वो गलती से कुछ और निकल गया मुंह से। तो एनोनिमिटी के साथ, एनोनिमिटी की कंडीशन में उसने जो है वो बात करी और ये बोला कि जो नए 1180 ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब 1180 या 2080 जो भी होगा, उसका नाम कंफर्म होकर अभी नहीं आया है, नाम तो एनवीडिया बाद में कंफर्म करेगा, और जहां तक मुझे लग रहा है वो 1180 ही होगा, 2080 नाम नहीं होगा। तो 1180 के जो ग्राफिक्स कार्ड होंगे वो आपको जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। अब जुलाई में एग्जैक्टली कब देखने को मिलेंगे वो नहीं पता, ठीक है? तो जुलाई में वो आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपके जो जुलाई में जो कार्ड लॉन्च होंगे ना वो फाउंडर एडिशन कार्ड होंगे, मतलब जो ब्लोअर स्टाइल्स कार्ड होते हैं, और जो आपको असूस की तरफ से या एमएसआई की तरफ से या जोटैक की तरफ से या गीगावाइट की तरफ से जो बोर्ड पार्टनर्स वाले कार्ड होते हैं, जो दूसरे कार्ड होते हैं ओरस और स्ट्रिक्स और गेमिंग एक्स वगैरह के जो कार्ड होते हैं, तो वो जो है आपको वो अगस्त या सेप्टेम्बर में देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लगेगा, तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे इनका जो बिल ऑफ मटेरियल रिलीज होता है, इंजीनियरिंग वैलिडेशन टेस्ट होता है, डिजाइन वैलिडेशन टेस्ट होता है, वर्किंग सैंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट होता है, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्ट होता है, फाइनल बायोस टेस्ट होता है, मास प्रोडक्शन और शिपिंग फिर बाद में होती है। तो इतना सारा काम करने में जो है इनको हफ्ते महीने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है वो जो आपके एनवीडिया के अलावा जो ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे असूस के और एमएसआई के और गीगावाइट वगैरह के, तो इनको आने में टाइम लगेगा। तो वो जो है वो आपको अगस्त या फिर सेप्टेम्बर में देखने को मिल सकते हैं। और 1180 का ही जो मोबाइल वाला वर्जन होगा, मतलब जो लैपटॉप वगैरह में लगेगा, जो लैपटॉप वाली चिप्स होंगी, वो जो है वो और लेट आएंगी, वो उसके भी ज्यादा लेट आएंगी। और ये तो था टॉम्स हार्डवेयर की तरफ से, या फिर जो भी उन्होंने गुप्त रूप से बात करी उसके बाद में, ठीक है? और इसकी जो लीक स्पेक्स हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, मतलब इनकी क्या स्पेक्स होंगी वो मैं एक पहली वीडियो में बता चुका हूं। अच्छा, एक चीज जो मैंने खुद इसमें पर्सनली रिसर्च करी है, और उस रिसर्च के अनुसार मुझे ये पता चला है कि मैंने कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स के अनुसार और कुछ अलग अलग फोरम्स पे डिस्कशन में जो बड़े बड़े अंदर के लोग होते हैं, या फिर ऐसा समझ लो बस, कहीं ना कहीं से मैंने रिसर्च करी है, और रिसर्च करके मुझे ये पता चला है कि जो आपका 1180 का टीआई वर्जन होगा, जैसे 1080 फिर 1080 टीआई है, तो वैसे जो 1180 का है ना, तो 1180 का जो टीआई वर्जन है वो या तो आपके मोबाइल चिप्स जो उसकी आएंगी लैपटॉप वाली उसी के साथ रिलीज होगा, या उसके बाद में रिलीज होगा, ठीक है? और जो टाइटन वाला होगा ना, नया जो टाइटन वगैरह होगा, अगर उसे आना है, जो कि वो आएगा ही आएगा, तो वो जो है वो आपको मेरे ख्याल से जनवरी में देखने को मिलेगा। तो नया टाइटन आपको शायद जनवरी में देखने को मिलेगा, या फिर मे बी शायद क्रिसमस के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है? और उसी उससे पहले ही, मतलब दिसंबर के ही आसपास, नवंबर दिसंबर में ही आपकी जो मोबाइल चिप्स जो ये लैपटॉप वाली हैं ये लॉन्च होंगी। अब ये डेट जो है वो मैं कहां से पता करके लाया हूं, कैसे पता करके लाया हूं, उसको छोड़ो, लेकिन अगेन ये फिर मेरी प्रिडिक्शंस हैं, या फिर ऐसा समझ लो कि बस एक अंदाजा है, मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूं, ठीक है? लेकिन टाइटन तो सबसे लास्ट में होगा, वो एनवीडिया का हमेशा का रहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो क्या पता जनवरी के आसपास हो लॉन्च, ठीक है? और जो तुम्हारा 1180 टीआई है,
वो या तो मोबाइल चिप्स के साथ होगा या उसके बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इनकी खबरें निकल के आई हैं, तो इतनी चीजें तो कंफर्म हो गई। क्या क्या कंफर्म हो गया? पहले तो नाम कंफर्म हो गया कि ट्यूरिंग है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ट्यूरिंग जो है वो आर्किटेक्चर कौन सा है, मतलब नया आर्किटेक्चर है या वोल्टा का ही गेमिंग वाला वर्जन है, रिफाइंड वर्जन। और दूसरी बात, ये जुलाई में आ रहे हैं, तो जिसको वेट कर रहा था, जो बंदा वेट कर रहा था कि नए जो ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम वेट करेंगे, तो भैया जुलाई तक वेट करना है आपको, तो कर सकते हो तो कर लो। और इतनी बढ़िया न्यूज दी है मैंने, मतलब कंफर्मेशन न्यूज दी है, मतलब मैंने कोई रूमर्स नहीं बताए, कोई स्पेकुलेशंस नहीं बताए किसी की, कोई लीक्स नहीं बताए, मैं एकदम आपको वो बता रहा हूं जो मुझे और आपको सामने दिख रहा है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बंद और लाइक दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि अगर तुमने लाइक नहीं दबाया तो यार फिर इतनी अच्छी ग्राफिक कार्ड की न्यूज का क्या फायदा फिर। तो यार अगर देखो, अगर तुम ट्रू गेमर हो तो लाइक दबा दो प्लीज।